अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली शादी के 10 मिनट बाद ही गलती का अंदाज़ा हो गया था नादिया खान। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान नादिया खान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें अपनी पहली शादी के 10 मिनट बाद ही गलती का अंदाज़ा हो गया था। अदाकार साजिद हसन के साथ यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए नादिया खान ने अपनी पहली शादी और उसके बाद पेश आने वाले हालात के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगरचा मेरी पहली शादी मोहब्बत की थी, मगर 10 मिनट बाद ही अदारक हो गया था कि मैंने शादी का गलत फ़ैसला किया है। उसके बावजूद भी मैंने 10 साल तक को निभाने की कोशिश की। अदाकारा ने कहा कि अब मेरी बात सुनकर लोग कहते हैं कि आखिर क्यों फिर इतने लंबे अरसे तक शौहर के साथ रही, तो मैं बतौर औरत अपना घर बसाना चाहती थी जिसको बचाने के लिए 10 साल तक कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि जल्द रिश्ता ख़त्म न करने की वजह माशरे को करार देते हुए कहा कि मेरे घर वाले इसके मुखालिफ थे और वो ख़ास ख्याल भी रखते थे। एक दुहाई तक कोशिशों के बावजूद भी शादी नाकाम हो गई, मगर मैंने अपने साथ पेशे आने वाले तमाम मामला वालदैन और घर वालों से छुपा कर रखे। नादिया खान ने कहा कि शादी के फैसले से सिर्फ मेरे ही साजियाती नहीं हुई बल्कि मैं समझती हूँ कि साबिक शौहर के साथ भी गलत हुआ। उन्होंने बताया कि बच्चे अक्सर अपने बैरून मुल्क में मुकीम वाले से मिलते हैं और वो इसकी हमायत भी करती हैं। वाज़ रहे कि नादिया खान की पहली शादी खावर नामी शख्स से हुई थी, जिसके बाद उनके यहाँ बेटी और बेटे की विलादत हुई और फिर अलहदगी की सूरत में ख़त्म हुई, जिसके बाद अदाकारा ने 2021 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर से शादी की। नादिया खान के दूसरे शौहर फैसल मुमताज़ राव की इससे कबल 2 शादियाँ हो चुकी हैं और यह अदाकारा के साथ उनकी तीसरी शादी है।